खड़ा कर दिया। ये पीछे पीछे आ यार, अरे आगे गाड़ी आगे आगे यहाँ पे गाड़ी के सामने मैं गाड़ी खड़ी रहने दो। भूल जाते हैं, अरे आगे लाइट आ रहा है, अरे कहाँ कर सकते हो गाड़ी को जान दो, रिवर्स जान दो, ए पीछे रिवर्स में ले लो भाई गाड़ी, अंडे पीछे आगे मत जाओ यार, ये कितना आगे जा रहे हैं यार, तुम लोग भूल जाओगे। बैक टू फ्रंट हो जाइए ना, नहीं थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अभी हमारा काम है ना। यहाँ पे देखना है उर्फी जी, यहाँ पे तुम भी बोलो, वो सेट चलो यार, वो सेट चलो, सेट लाइट वगैरह नहीं मिल रही। हाँ उर्फी जी वेट, आई एम लॉन्चिंग माय एनएफटी ऑन 19, सो उसी का इवेंट है, सो आई एम हियर फॉर दैट। So what is this event is all about? Will you like to share something? NFT, like non-fungible token. So I'm launching my own collection of NFTs and we are just having a pre-launch event and that's it. And launch is on 19th. Well, हाल ही में देखा हमने कि उर्फी के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव ने भी बहुत कुछ, no comments on that. Will you like to say something on that? That's no comments on that. Thank you. As well as what you would like to say about today's attire, although you have a different collections every now and then. I just want to say कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं हूँ. So that's it. मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है, वो तो मुझे पता ही है। ये इनको कैमरे के सामने लेके आओ, इनका आंसर दिखाना है मुझे, है ना? थैंक यू सो मच। जब आप सुधारने की बात कर रही है, तो अगर आपको आपका अटायर इतना पसंद है, तो फिर सुधरना क्यों है? कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ये तो आपको पता होना चाहिए, घर जाके होमवर्क करके आना, समझ जाओगी मैंने क्यों क्या बोला है। यार देख लो यार, मैं मुझे शर्म आ रही है कुछ बोले, पर इट्स इट वाज फन, यू गाइस विल नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब उर्फी कुड डू समथिंग लाइक दैट। शादी हर साल हम स्पिट्सविला में देखते थे कि ओरेकल हमेशा से हर किसी का गेम चेंज करता था, इस साल क्या कुछ गेम चेंजेस होंगे और इस बार ओरेकल में क्या कुछ डिफरेंट देखने? इस बार उर्फी ने ओरेकल का ही गेम चेंज कर दिया। उर्फी जी बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई एम फॉलोइंग स्पिट्सविला नाउ। बस स्पिट्सविला के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दोगे, अगर कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा क्या कुछ, तो फिर ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होगी। दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्पिट्सविला, दैट्स आई मीन इट्स क्रेजी। इस बार इतना कुछ अलग है ना, दैट यू गाइज के नॉट इमेजिन। आई मीन एंड कम ऑन, आई एम देयर, सो कैन यू इमेजिन मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे? माई आउटफिट्स, लाइक टास्क चल रहा है ना, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई आउटफिट्स। बीच पे मैं हील पहन के यू नो ऐसे तो जा रही हूँ, आई एम लाइक आई ओनली परफॉर्म इफ माई आउटफिट मैचेज द टास्क। वेल फर्स्ट एपिसोड में तो हमने देखा था एंड उसमें देखा कि सनी एंड सभी ने टास्क दिया था जहाँ पे रोजेस देने हैं, सो ऐसा ही। आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट एपिसोड, आई विल बी एंटरिंग नेक्स्ट वीक। व्हाट विल बी द धमाकेदार एपिसोड?
यार अभी बता दूंगी तो धमाका की वो फुसकी बन जाएगी यार। देखो उर्वी सनी जी ने भी आपकी कुछ तारीफ की थी। She is so cute. She is so sweet, yaar. मतलब she was so nice to me on the show. I cannot even tell you. And she's just, I was like, when I met her, I was like, you know, she'll show me attitude. कि ये होगी Urfi अपनी जगह. But she was just like, Urfi, I'm your fan. I love you. And I'm like, did Sunny say that? She's so cute. She's very sweet, sweetheart. मेरा बच्चा कब हो रहा है, मेरी शादी कब हो रही है? उर्फी के इतने उर्फी के इतने फैंस है, हर कोई लाइक उर्फी के लुक से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ धमाके हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट, तो ये तो नहीं बनता है। तो प्लीज उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो। किसके बारे में? रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं यार, अगर आप सही हो तो फिर कुछ तो नहीं। इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी, फिर तो कुछ हो। आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो, आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना, आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल। जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू योरसेल्फ। एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है, हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते। व्हाट अबाउट द व्यूअर्स, दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू, बट द पीपल आर सेइंग, एंड इफ उर्फी डजंट से दैट, व्हाट दैट मींस? मुझे उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे, बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है। सो आपके जो फैंस हैं उनके भी फैंस है जो आपके वो चाहते हैं कि आप, बट क्या कमेंट आए, क्या कमेंट आए वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला? बिकॉज आपको नहीं पता मुझे, नहीं, आई डोंट नो, पर आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था, एंड दैट्स इट। आई डोंट वांट टू ड्रैग इट। आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो, दैट्स अ क्राइम, दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इधर रुको, इधर रुको, बुला नहीं है, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, अरे आया लाइट है, अच्छा लाइट आ रहा है, और अच्छा आ रहा है, लाइट अच्छा है, पहले से ज्यादा अच्छा है। ये मेरी बहन को देख के इतना ब्लश करता है, मुझे पूछा इसका बॉयफ्रेंड है यही पे, मैंने कहा वो आ रहा है पीछे से, वो जो 6 फीट का आदमी है, इसको असली बहुत पसंद है, असली को देख के शर्माता है, याद है ना असली? असली बैंड्रा में अभी पता है कितना कंट में, वही सोचो कि कभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं यही देखती हूँ कि हर बार ही आते हैं, आज इसकी शक्ल डिफरेंट लग रही है, आज इसकी शक्ल अलग लग रही है, लेकिन दोनों लेट ही आते हैं। पर यही सोच रही मतलब कैसे इतनी जल्दी ये गेन और वेट लॉस कर लेते हैं, आज मिस्ट्री क्लियर। लेकिन दोनों लेट ही आते हैं। हां लेकिन दोनों लेट आते हैं, ये बात सच, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, लेट आने। थैंक यू, थैंक यू, कुछ तो काम अंत है, डन डन, थैंक यू मैम, बाय।